नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। हेलंग के पास जंगल में लगी आग से 4 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। वन विभाग के कर्मचारी लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं। हेलंग और उमंग की तरफ से आग को बुझा ली गई है और लेकिन थैंग की तरफ से आग बुझाने में कर्मचारी जुटे हुए हैं। वन क्षेत्र अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया है कि सोमवार रात को अचानक जंगल में आग लग गई थी और मंगलवार को सुबह से कर्मचारी स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने में जुटे रहे। थैंक की तरफ से फायर लाइन काट कर आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और अभी तक 4 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। तो हेलंग के पास जंगल में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि आग बुझाने को लेकर अभी भी मशक्कत जारी है और ये भी जानकारी सामने आई है कि वन क्षेत्र अधिकारी चेतना कांडपाल ने ये जानकारी दी है कि सोमवार रात को अचानक जंगल में भीषण आग लग गई थी और मंगलवार सुबह से कर्मचारी स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने में जुटे रहे और थैंक की तरफ से फायर लाइन काट कर आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और अभी तक 4 हेक्टेयर जंगल जला हुआ बताया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता पुष्कर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर, जैसे जानकारी सामने आई है हेलंग के पास जंगल में भीषण आग लगी है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए जोशीमठ ब्लॉक का यह मामला है। थैंग के जंगलों में जो हेलंग बाईपास होकर जो थैंग गांव जाते हैं, यहाँ के जो जंगलों में जो आग लगी है किसी अराजक तत्वों के, क्योंकि वन विभाग ने अराजक तत्वों के नाम से ही रिपोर्ट दर्ज कराई है कि इन्होंने आग लगा दी है और आग लगने के कारण जो है जो जंगली जानवर हैं वो शहरों का रुख करें। हालांकि सेम घटना जो है थराली वन प्रभाग की भी है। थराली क्षेत्र में भी जो है सोमवार से ही आग लगी हुई है और जो थैंग गाँव का जो मामला है यहाँ पे जो है लगातार जो है अराजक तत्व जो है जंगलों में आग लगा देते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो वन क्षेत्र अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से और जो नगर पंचायत के जो लोग होते हैं या जो प्रधान लोग होते हैं उनकी तरफ से लाइन काटी गई। उसके बाद आग को बुझाने में काबू पाया गया। हालांकि ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि जब सर्दी का मौसम हो और जंगलों में आग लगी तो किसी अराजक तत्व के कारण ही आग लगने का कारण अभी सामने आया है। हालांकि आग पर जो है कल देर रात जो है तक जो है काबू पा लिया गया था, लेकिन जिस तरह से आए दिन जो आग वन संपदा जो खाक हो जाती है, जलकर राख हो जाती है, तो इसको लेकर जो है वन विभाग को ठोस कार्रवाई तो करता है, लेकिन जब आग लगने की घटनाएं ऐसे सामने आती हैं तो इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। हालांकि ये मामला जो है जोशीमठ ब्लॉक का है, थैंग गांव का ये इलाका है, यहाँ पे 4 हेक्टेयर से ऊपर जो है आग जो है जंगलों में लगी है। इसको बुझाने का प्रयास जो है स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा भी किया गया और वन विभाग के द्वारा यहाँ पे किया गया है। हालांकि अभी आग पर जो है काबू पा लिया गया। बिल्कुल पुष्कर सिंह ने ये भी बताया जा रहा है कि भीषण आग के कारण 4 हेक्टेयर जंगल जो है वो जल चुका है, इसके बारे में भी जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि जिस तरह से जंगलों का जो एरिया होता है या केदारनाथ वन प्रभाग का एरिया है और नंदा देवी राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय पार्क भी यहीं पे होता है, इसी एरिया में होता है और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग वन प्रभाग भी इसी एरिया में होता है। तो तीनों की जो वन संपदा है या वन भूमि जो है यहाँ पे जली हुई है। तो कहीं ना कहीं जो 4 हेक्टेयर से ऊपर की थी जब आकलन किया गया, उसके बाद राजस्व की टीम यहाँ पे पहुंची और उसके बाद जो है वन विभाग के क्षेत्र अधिकारी यहाँ पे थे, तो आकलन किया गया था 4 हेक्टेयर से अधिक भूमि यहाँ पे जो है जलकर जो है खाक हो गई। और वैसे ही जो है थराली ब्लॉक की अगर बात करूँ मैं तो थराली ब्लॉक में भी जो है सोमवार से भी थराली ब्लॉक के भी जंगल है यहाँ पे भी दूर दूर के जल रहे थे। थराली ब्लॉक में अभी तक आग पे काबू नहीं पाया गया क्योंकि दूरस्थ इलाका है, यहाँ कर्मचारी और जो गांव के जो लोग होते हैं वो आग बुझाने में कड़ी मेहनत मतलब उनको करनी पड़ी। लेकिन बिल्कुल जैसे जानकारी सामने आई है, जैसे आपने भी बताया है कि आग पर काबू पाने की जो कवायद है वो लगातार जारी है और जल्द ही आग पर काबू भी पा लिया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें चमोली से खबर है, हेलंग के पास जंगल में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि 4 हेक्टेयर जंगल इसमें जल चुका है, ये जानकारी सामने आ रही है।
ऋषिकेश में वीरभद्र रोड पर एक सीएससी सेंटर संचालक करीब 3 साल से फर्जी आधार, वोटर और पैन कार्ड बनाने का धंधा बेखौफ चलाता रहा, मगर लोकल पुलिस और एलआईयू के इसकी भनक लगी नहीं लग पाई और शिकायत एसटीएफ के पास पहुंचने कर मामले का खुलासा हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि एसटीएफ की टीम ने सीएससी सेंटर में छापेमारी कर 2 सगे भाइयों को उनके एक नेपाली साथी के साथ गिरफ्तार किया है और इस दौरान ही एसटीएफ की टीम को सीएससी सेंटर से 640 ब्लैक प्लास्टिक कार्ड और 200 लेमिनेशन कवर कार्ड और 28 वोटर आईडी और इसके साथ ही 68 आधार कार्ड भी बताया जा रहा है इसमें कि मिला है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि अन्य दस्तावेज जो हैं वो बरामद किए गए हैं। प्रथम जांच में आरोपियों ने अब तक सैकड़ों देसी विदेशियों के बिना दस्तावेज के लिए फर्जी आधार, वोटर और पैन कार्ड बनाए हैं। नेपाली मूल के लोगों ने फर्जी आधार कार्ड के बेस पर गढ़वाल का निवासी बना लिया है। ठंड के प्रकोप और मौसम विभाग की ओर से जारी ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए क्लास 1 से 12 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों, आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में ही 28 और 29 दिसंबर को अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि शिक्षकों और कर्मचारियों को कोई राहत नहीं दी गई है। समस्त श्रेणविक और मिनिस्ट्री कार्मिकों को अनुसार बताया गया है कि उनके समय के अनुसार विद्यालय में बने रहने के निर्देशित किए गए हैं। इसको लेकर शिक्षकों में अंदरूनी तौर पर नाराजगी भी बनी हुई है। कोरोना की दस्तक के साथ ही चमोली में स्वास्थ्य विभाग की ओर से रोकथाम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और विभाग ने जिले में न्यू ईयर ईव और पर्यटक स्थलों में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं विभाग की ओर से कोरोना के प्रिकॉशन डोज के टीकाकरण को तेज करने की योजना बनाई है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चमोली जिले में स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद हो गया है और जहाँ जिले में प्रिकॉशन डोज टीकाकरण के लिए विभाग ने शासन से टीके की मांग की है, वहीं न्यू ईयर ईव को देखते हुए होटल संचालकों और पर्यटन ने व्यवसायों और इसके साथ ही मास्क के उपयोग और 2 गज की दूरी की अनिवार्यता रखने के लिए भी साथ ही किसी भी प्रकार की शंका पर आंगुत की टेस्टिंग के निर्देश भी दे दिए हैं। वर्तमान में हम लोग तो जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे ऑक्सीजन प्लांट हमारा कार्य कर रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर्याप्त मात्रा में हैं, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स हैं और जो भी दवाइयाँ वगैरह इससे रिलेटेड चाहिए आवश्यकता होती है वो सभी अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और हमें स्टेट से भी गाइडलाइन मिला है कि अभी आपको किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो तो आप लोग इसकी मांग कर सकते हैं। तो इसके तहत जो भी नई एसओपी आई इसके तहत मास्क पहनना अनिवार्य है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जो भी है, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी और हाथों को साफ करके धोना, इस तरह से जो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है उसका पालन करना जरूरी है और हमने अपने सभी स्वास्थ्य इकाइयों को अलर्ट मोड पर रख दिया है और उनसे ये कहा गया है कि आपको किसी प्रकार की किसी कोविड से संबंधित किसी दवाई से लेके इक्विपमेंट से लेके किसी भी तरह की आवश्यकता है तो आप हमें डिमांड भेजिए। पौड़ी जिला चिकित्सालय पहुंचे कोरोना नियंत्रण के नोडल अधिकारी और उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर के सीएमएस गोविंद पुजारी ने कोरोना के हालातों से निपटने के लिए जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया ताकि कोरोना के हालातों से निपटा जा सके। इस दौरान नोडल अधिकारी ने जिला चिकित्सालय में मौजूद ऑक्सीजन और इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बाद डॉक्टर गोविंद पुजारी ने बताया है कि जिला अस्पताल में मौजूद सुविधाएं उन्हें कोरोना के मद्देनजर चाक चौबंद नजर आई हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि जहां ऑक्सीजन प्लांट सक्रिय अवस्था में है और वहीं 36 बेड की व्यवस्था कोरोना पेशेंट के लिए जिला अस्पताल में की गई है।
व्यवस्था पूरी अच्छी है, ऐसी कोई कमी हमें नहीं लगी या मिली इंस्पेक्शन के दौरान, कि जो कि हमें इनको बताना पड़ता कि भाई ये व्यवस्था और आप अपडेट करिए, ऐसा कुछ नहीं है। व्यवस्था पूरी अच्छी है, ऑक्सीजन प्लांट में चेकअप किया हूँ, ऑक्सीजन प्लांट पूरा अच्छी तरह से रन कर रहा है, 900 का है, 960 का ऑक्सीजन प्लांट है, और 36 बेड जो है कोविड के पेशेंट के लिए यहाँ पर रखे गए हैं, 6 वेंटी आपके फंक्शनल पूरी तरह से हैं और 10 वेंटी आपके स्टैंड बाय में रखे गए हैं यहाँ पे। न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए बड़ी संख्या में इस बार दूसरे प्रदेशों के पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। बात यदि कालागढ़ टाइगर रिजर्व की करें तो नए साल के लिए इसके लिए सभी गेस्ट हाउस एडवांस में बुक हो गए हैं। बता दें आपको कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व के SDO हरीश नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यटकों को घुमाने के लिए उनके डिवीजन में 12 जिप्सियां हैं जो हर वक्त कालागढ़ टाइगर रिजर्व के स्वागती केंद्र में खड़ी रहती हैं। चीन में कोरोना से हो रही मौतों को लेकर देश में भी कोरोना के बचाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग कोई लापरवाही बरतना नहीं चाहता और उत्तराखंड प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारियों के साथ जुटा हुआ है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल से लेकर सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना बचाव के लिए ऑक्सीजन से लेकर तमाम जरूरी चिकित्सा संबंधी संस्थानों और पूर्ति करने के लिए जुटी हुई है और सरकारी अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए किए गए इंतजाम परखने के लिए लगातार मॉक ड्रिल करने का भी निर्देश दिया जा रहा है। कोरोना में आपको बता दें, कोरोना को लेकर लगातार अलर्ट है और देश में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की दस्तक के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और उत्तराखंड प्रदेश में कोरोना के नए केस मिले हैं और इस स्थिति में स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभी अस्पतालों को अलर्ट करने का निर्देश दिया गया है। देवभूमि, प्रवेश द्वार मंगलोर में भी CHC अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर दी हैं। आपातकालीन स्थिति में रैंडम टेस्ट और बेड पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और इसके साथ ही जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। लोगों को भी कोरोना के नए वेरियंट के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 10 हमने आइसोलेशन बेड जो जिसपे गैस पाइपलाइन है वो फिट हो गई है, ऑक्सीजन की है, उनको हमने चेक भी कर लिया है, तो रिफिल का भी करा रहे हैं उसको। बाकी पेटेंट से हमने चेक कर लिया सिलेंडर लगा के, उसके अतिरिक्त हमारे पास में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है 13 हैं, वो भी सफिशियंट है। उसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी हैं, वो भी सफिशियंट है, कुछ भराए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो प्राथमिकता में हम यहाँ पे किसी भी जो फर्स्ट टाइम पे अगर कोई ऐसा इंसिडेंस होता है, लोग आते हैं, तो हमने अपनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलोर के स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है। जैसे कि आपको पता ही है कि चाइना में जो केसेस अचानक से बहुत बढ़े हैं, आसपास के जो देश है सभी देशों में बहुत केस बढ़ गए हैं, उसी स्थिति को देखते हुए हमारे स्वास्थ्य महानिदेशालय ने भी हम लोगों को सजग किया और उत्तराखंड में अभी व्यवस्था बहुत अच्छी है। और इसी क्रम में आज हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलोर की बात करूँ तो हमारे यहाँ पर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है। इटावा के भरथना रोड पर संचालित आशीर्वाद हॉस्पिटल में अवैध रूप से संचालित मेडिकल स्टोर पर जिला औषधि निरीक्षण इटावा रजत कुमार पांडे, जिला औषधि निरीक्षक ज्योत्सना ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 8,70,000 रुपए अवैध दवाई जब्त कर थाना फेंडस कॉलोनी पुलिस को कानूनी कार्रवाई के लिए सौंपी है। आपको बता दें कि जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडे ने कहा कि जनपद में इसी तरह से बिना लाइसेंस के संचालित अवैध मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर कार्रवाई होती रहेगी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य, जिस तरह से जानकारी सामने आई है कि मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई है, क्या कुछ बरामद हुआ है यहाँ से? जी,
मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनपद में अमन मेडिकल स्टोर जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं उसके खिलाफ डीएम यहाँ पर चेतावनी औषधि निरीक्षकों ने निर्देशित किया गया है कि इस तरह के अवैध मेडिकल स्टोरों पर लगातार छापेमारी कर कार्रवाई की जाए, जिसके क्रम में आज कल जनपद प्राप्ति के गंगा में अवैध मेडिकल स्टोर चल रहा था, जहाँ पर औषधि निरीक्षक के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट ने साथ में छापेमारी की, जिस दौरान उनको मेडिकल संचालक से लाइसेंस के बारे में जानकारी दी गई, जिसके संबंध में लाइसेंस दिखाने में असमर्थ रहे, लाइसेंस नहीं था, इसके बावजूद में सभी जो दुकानें मेडिकल स्टोर में उपलब्ध थी उसको जब्त कर लिया गया, इसके साथ ही मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया गया और आगे भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी सूर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, इटावा से खबर है जहां पर मेडिकल स्टोर में छापेमारी की गई है और बताया जा रहा है कि कई सामान भी यहां से बरामद किए गए हैं। सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि ये चुनाव समय पर होने चाहिए, चुनाव को लेकर जो फैसला सरकार को खुद करना चाहिए था उसके लिए कोर्ट जाने की नौबत क्यों आई। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार को अभी से डर लगने लगा है कि अगर चुनाव उनके खिलाफ गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी हार पक्की है। संभल के दीपा सराय में मौजूद अपने आवास पर सपा सांसद बर्क ने कहा कि यहाँ तो डेमोक्रेसी है, इसलिए यहाँ वक्त पर सारे काम होने चाहिए, इलेक्शन असेंबली का हो या फिर पार्लियामेंट का हो या फिर निकाय का हो, यहाँ सभी चुनाव समय पर होने चाहिए, इसमें किसी प्रकार की आनाकानी नहीं होनी चाहिए। सपा सांसद ने चुनाव कराने की वकालत करते हुए कहा कि चुनाव सरकार अवश्य कराए। वहीं उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव कराने पर सरकार के कारनामे सामने आ जाएंगे, 2024 अभी दूर है, बीजेपी इस समय डरी रही है और बीजेपी को डर लग रहा है कि अगर चुनाव करा दिए और रिजल्ट उनके खिलाफ आ गया तो 2024 की हार साफ दिख जाएगी। सपा सांसद का कहना है कि उनकी राय में इलेक्शन करा देना चाहिए और साथ ही जनता की राय भी सामने आ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस समय निकाय चुनाव करा दिए गए तो इस वक्त की हार जीत आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत मायने रखेंगे। और सरकार का इस पर जो है बयान जो है सीधे तौर पर सामने आ गया है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ है उन्होंने कहा है कि बिना पहले आरक्षण देंगे और उसके बाद ही जो चुनाव कराए जाएंगे, क्या मानते हैं इसको लेकर, क्या कहना है आपको? देखिए, किसी भी सरकार हो, ये तो डेमोक्रेसी है जगह, तो वक्त के ऊपर सारे काम होने चाहिए, हर चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो, पार्लियामेंट का हो या निकाय का हो, जो भी हो इलेक्शन, तो वक्त पर होने चाहिए। इसमें आनाकानी क्यों है और क्यों इन्हें पार्लियामेंट में जाना पड़ा, उसमें कोर्ट के अंदर जाना पड़ा, तो जिसको इसमें तो फैसला खुद ही कर देना चाहिए था कि भाई वक्त हो गया था तो इसका इलेक्शन करा देते और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो भी है, बहरहाल फैसला तो जनता के वोट पर है, अब जनता जिसको वोट देगी ये तो वो बेहतर जाने, लेकिन हम चाहते यही है, हम भी आज भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र के वाल्मीकि बस्ती में निकाय चुनाव को लेकर सभासद पक्ष की दावेदारी करने वाले दो उम्मीदवारों के पक्षों के बीच मारपीट के बाद पथराव हुआ है और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे भी चले हैं और इसके साथ ही पथराव किया गया है। चुनाव में एक पक्ष के उम्मीदवार को बैठाने को लेकर विवाद बताया जा रहा है और घटना में 8 लोग घायल हो गए हैं और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों की सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बरेली जिले के मनोना ग्राम में खाटू श्याम मंदिर में हो रहे नित्य नए चमत्कार, खाटू श्याम बाबा के भक्त बहुत बड़ी तादाद में रोजाना दर्शन के लिए जाते हैं और इसके साथ ही मनोना धाम और उनकी आस्था चमत्कारी रूप से पूर्ण भी हो रही है। उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु
पूरे भारत में रोजाना हजारों की संख्या में भक्त इस मंदिर में उमड़ रहे हैं और देखते ही देखते आंखों के सामने उनके कष्टों का निवारण भी हो रहा है और हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम के दरबार में पीड़ित एम्बुलेंस से आते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सही होकर वापस जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि महंत श्री जी महाराज को बाबा खाटू श्याम का अलौकिक आशीर्वाद प्राप्त है जिससे उनके आशीर्वाद से भक्तों के कष्टों का निवारण हो रहा है। हाँ, ये हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूंगा क्योंकि जो चमत्कार मनोना धाम पर हो रहे हैं वो लाइव हो रहे हैं। लाइव चमत्कार होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि आप कोई समस्या लेके गए और मंदिर में खड़े हुए, हमारे सामने खड़े हुए, हमसे बोला और हाथ के हाथ आपकी समस्या वहाँ खत्म हो गई। तो इसलिए वहाँ बहुत सारे लोग पहुँच रहे हैं और इस तरीके के चमत्कार अब तक लोगों ने नहीं देखे थे। वहाँ बाबा पूर्ण रूप से विराजमान है इसीलिए वहाँ पर चमत्कार हो रहे हैं, बाबा की वो जन्मस्थली है। हाँ, मनोना धाम का नाम लेने से भी बहुत सारे लोगों के कार्य हो रहे हैं पूरे। बहुत सारे लोग हमें फोन करके बताते हैं कि महाराज जी हम यहाँ थे। लखीमपुर खीरी में एक युवक ने अपनी प्रेमिका और उसके परिजन पर धोखा देकर ठगने का आरोप लगाते हुए जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने से पहले युवक ने एक वीडियो बनाकर प्रेमिका और उसके परिजनों पर आरोप लगाया। युवक की मौत की जानकारी के बाद इलाके में सनसनी का माहौल हो गया है। मामला आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के गोला लोकनाथ कोतवाली के पूर्वी दक्षिण थाना निवासी सचिन ने बीती रात ही लगभग 10:30 बजे अपने खरीदे गए नए प्लाट पर जाकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने से पहले उसने एक वीडियो बनाया जिसमें मोहल्ले के ही एक लड़की से 3 सालों से अफेयर होने की बात कही और उसने वीडियो में आरोप लगाया कि उसकी प्रेमिका और उसके परिजन उसे काफी दिनों से प्रताड़ित कर रहे हैं और उसके पास जो पैसे थे सारे ले गए और इसके चलते वो काफ़ी परेशान है, उसके परिजन भी काफ़ी दुखी हैं। वीडियो बनाने के बाद उस युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और इस मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। क्षेत्र अधिकारी मोहम्मदी अरविंद वर्मा ने बताया है कि एक युवक ने जहर खाने का मामला जो है उसका सामने आया है, उसने जहर खाने से पहले एक वीडियो भी बनाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।